हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 मैथ में चैप्टर नंबर 11 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। इस चैप्टर में हम लोग दो वर्ड हैं, पेरीमीटर एंड एरिया। तो कोई डायग्राम है, कोई फिगर है, ये फिगर हो चाहे ये फिगर हो या और ये चीजें हैं या कोई इस तरह का पैरेललोग्राम है, ठीक, या और कोई भी ले सकते हैं, ट्रेपेज़ियम ले सकते हैं इस तरह का, ठीक है, ये इस तरह का कोई डायग्राम है या कोई मिक्स फिगर है जिसमें और चीजें हैं। सपोज करिए ये ऐसा है और ये पूरा कलर्ड है, तो ये इन सब का एरिया और इन सब का पेरीमीटर क्या होता है, कैसे होता है, कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम पेरीमीटर समझेंगे, पेरीमीटर होता क्या है, फिर एरिया क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर कोई फिगर दिया है तो उनको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। यही सारे चीज इस चैप्टर के का डिस्कशन है, इस चैप्टर में हम लोग यही सीखेंगे। लेट्स बिगिन। सो पेरीमीटर, व्हाट इज अ पेरीमीटर, क्या होता है पेरीमीटर। सबसे पहले हम बता देते हैं पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर मतलब यहां पे पेरी मतलब उसका बॉर्डर, मीटर मतलब मेजरमेंट करना। तो कोई भी सेप है उसकी जो बॉर्डर की लंबाई हो, ही पेरीमीटर कहलाती है। जैसे ये आपका एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है क्योंकि इसकी चारों साइड बराबर है, तो इसकी जो ये लंबाई है, अगर कोई हम डोरी लें और इसके ऊपर ऐसे डालें, डालने के बाद ये इसकी बाउंड्री को अगर हम ढक लें, ढकने के बाद जो लंबाई निकल के आ जाएगी वही इसका पेरीमीटर कहलाएगा। ये मतलब एरिया क्या होता है, ये अंदर वाला, ये पूरा, इसको ढकने के लिए कितना कारपेट चाहिए, कपड़ा कारपेट क्या चाहिए, ये जितना लंबा चौड़ा कपड़ा लगेगा वो इसका एरिया है। तो ये आपका एरिया होता है और ये इसकी बाउंड्री जो है इसका पेरीमीटर होता है। तो यही चीज हर एक फिगर के लिए होता है, हर एक शेप के लिए यही दो है, उसके अंदर का पूरा एरिया जिसको बिछाने का काम वो उसका एरिया कहलाता है, और उसकी जो बाउंड्री होती है, ठीक है, कोई खेत है, कोई फील्ड है, कोई मैदान है, कोई ग्राउंड है, तो उसकी बाउंड्री की फेंसिंग करना, मतलब तार लगा के उसको चारों तरफ से घेरने में जो जरूरत पड़ेगी वह उसका पेरीमीटर कहलाएगा। और बाउंड्री के अंदर सपोज के घास लगाना, घास लगाने के लिए जितनी घास की जरूरत पड़ेगी वह उसका एरिया कहलाएगा। तो ये चीजें हैं। तो अब अलग अलग शेप के लिए क्या एरिया, क्या फार्मूला, क्या रूल है वो हमको डिस्कस करना है। तो अगर स्क्वायर है, कोई स्क्वायर शेप है जिनकी चारों साइड बराबर है, तो एक साइड का मेजरमेंट आप ले लीजिए, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही उसका पेरीमीटर हो जाएगा। और अगर रेक्टेंगल है तो उसकी साइड लेंथ और ब्रेथ अलग होगी, लंबाई अलग होगी, चौड़ाई अलग होगी, बस ये इसकी लंबाई ले लीजिए, ये लंबाई ले लेंगे तो ये भी निकल के आ जाएगी, ये चौड़ाई लेंगे तो ये भी नहीं, क्योंकि दोनों लंबाई सामने सामने की लंबाई बराबर होती है। तो दो बार इसको जोड़ना है, दो बार इसको जोड़ना, तो अगर ये एल है और ये बी है, तो इसका मतलब दो बार एल प्लस दो बार बी, तो पेरीमीटर ये हो जाएगा, इसमें से दो कॉमन निकाल लेंगे तो एल प्लस बी हो जाएगा, दैट इज पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये हो जाएगा। सिंपल सी बात है। पेरीमीटर ऑफ कोई लेंथ है इस तरह का है तो इसको निकालने में थोड़ा सा अलग है, क्वाड्रिलेटरल है जिनकी साइड आपको इक्वल नहीं है, तो इसमें आपको ये सारी चीजें करना पड़ेगा। पेरीमीटर तो निकल जाएगा लेकिन इसके एरिया में थोड़ा इशू आएगा, ठीक है। तो पेरीमीटर तो आराम से इसकी लंबाई मेजर करेंगे और निकल जाएगा, और चारों साइड को जो जोड़ देंगे दैट इज द पेरीमीटर। पेरीमीटर सिंपली बाउंड्री ही है, चाहे जो भी फिगर है, ये सेप है डिफरेंट डिफरेंट। यहां पे अब एरिया की बात कर रहे हैं, सॉरी कोई भी सेप है, एरिया की बात कर रहे हैं। सो एरिया क्या होता है, टोटल एरिया इज टोटल अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज बाई, जैसे ये फिगर है, ये कलर जो इसका जो कलर फिगर है, इसका जो कलर है इसका अलग है, ये इन सब का अपना अलग एरिया है, इनका एरिया कैलकुलेट करने के अलग अलग फार्मूले हैं। यहाँ पे हम लोग सिंपल एरिया सिंपल फार्मूले डिस्कस करेंगे हायर क्लास में, और भी कॉम्प्लिकेटेड जैसे जैसे होगा उसके नई नई टेक्निक सीखना है। जैसे है एरिया ऑफ स्क्वायर है रेक्टेंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल ये है, एरिया में क्या करना है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई करना होता है।
रेक्टेंगल स्क्वायर है तो इसकी साइड एरिया इक्वल टू ए इक्वल टू साइड का जो है दो साइड का मल्टीप्लाई करें, ठीक है। एरिया इस रेक्टेंगल अगर साइड ए है और इसकी भी साइड ए है तो इसका मतलब साइड का स्क्वायर हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये तो स्क्वायर के लिए दोनों साइड बराबर है, लेकिन रेक्टेंगल में साइड बराबर नहीं होती, इसलिए क्या है यहां पे क्या कर देंगे साइड इसमें भी दूसरी साइड सेकेंड साइड। तो पहली साइड आपको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरी बी से, तो इसके एल इंटू बी, तो इसका लेंथ और ब्रेथ हो जाता है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ होगी। तो एरिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लीकेशन आ जाता है, लेकिन दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, इसकी यूनिट और अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में लेना है, इसमें भी तो इसमें तो एक ही आना है, अगर नहीं है तो उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये बहुत सिंपल है। पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम तो एक शेप होता है जिसमें अपोजिट जो है इनके साइड्स पैरेलल होते हैं, जैसे ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, इसी तरह ये होता है प्रॉपर। तो यहां पे ये इसके पैरेलल होगा और ये इसके पैरेलल होगा, इसका पेरीमीटर तो पैरेललोग्राम में क्या होता है अपोजिट साइड पैरेलल होती है, जैसे यहां पे ए बी सी डी है, इसका क्या मतलब ए बी पैरेलल टू डी सी होता है और ए बी इक्वल टू डी सी भी होता है, और तीसरा क्या होता है ए डी पैरेलल टू बी सी होता है और ए डी इक्वल टू बी सी होता है। तो इसका हमको निकालने के लिए एरिया निकालने के लिए जैसा ये दिया है, सबसे पहले क्या है इसका जो बेस है उसकी लंबाई होती, फिर इस बेस पे यहां वर्टेक्स जो इसका वर्टेक्स है पैरेललोग्राम का जो वर्टेक्स है वहां से परपेंडिकुलर इस पे ड्रा करते हैं 90 डिग्री बनाते हैं और इसकी हाइट हम मेजरमेंट कर लेते हैं। मेजरमेंट करने के बाद हमको एरिया मिल जाता है, सिंपली ये बेस और इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको एरिया पैरेललोग्राम मिल जाता है। अब आपको पैरेललोग्राम में जनरली ये हाइट दी नहीं रहती या कभी कभी दी भी रहती है तो उसके बेसिस पे घुमा के आगे पीछे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर साइड्स दी गई है तो सिर्फ साइड दी गई ए बी की लंबाई दे दिया, ए बी ये सारी लंबाई अगर दी रही ए बी बी डी डी सी और ए सी ये दिया रहेगा तो आप एरिया नहीं निकाल पाएंगे जब तक आपको ये हाइट नहीं मिलेगी। तो पैरेललोग्राम में आपको हाइट निकालना पड़ेगा, ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस, दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस आपको चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ये इसकी लिमिटेशन है। रेक्टेंगल और स्क्वायर में आराम से मिल जाता है। अब क्या कह रहे हैं कि अगर एक रेक्टेंगल है उसके अंदर एक ट्रायंगल बना दे तो उसका एरिया कैसे निकलेगा। ए रेक्टेंगल कैन बी कंसीडर एज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कहने का मतलब ये जो रेक्टेंगल है इसका जो डायगोनल होता है, ये डायगोनल है, ये जो लाइन इसकी डायगोनल है, ये रेक्टेंगल को दो इक्वल पार्ट में बांटती है, ये फर्स्ट पार्ट, तो आपका फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों इक्वल होते हैं, ये एरिया और ये एरिया बराबर होता। तो अगर एक का हमको मेजरमेंट पता रहे, ये मेजरमेंट पता रहे तो हम निकाल सकते हैं। तो ट्रायंगल का एरिया जो होता है, ठीक है, ट्रायंगल का एरिया वैसे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अगर ऐसा कुछ है तो आप अगर ये दोनों दिया है तो इजीली निकाल सकते हैं। यहां पे 1/2 है, तो अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है तो उसका आधा कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, और ट्रायंगल दिया है तो उसका टू टाइम कर देंगे तो रेक्टेंगल आ जाएगा। जैसे कि यहां कंसीडर है रेक्टेंगल एबीसी, इट डिवाइड इनटू टू ट्रायंगल एसीडी एंड एबीडी, ट्रायंगल एज अ पार्ट ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यही कहने का मतलब है। तो यहां पे 1/2 लेंथ और ब्रेथ ये है, यही इसमें कहा गया है कि एरिया ट्रायंगल के लिए क्या है 1/2 इंटू आप इस रेक्टेंगल का एरिया, एरिया हो जाएगा इसका, एरिया के लिए क्या करना है
लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 1/2। इसका लेंथ क्या है, सी डी 10, और इसकी ब्रेथ जो है 5 है, तो ये 50 हो जाएगा, 2 दैट इज 25। तो इसका एरिया, एरिया ऑफ ए ए सी डी, सॉरी ए सी डी इज इक्वल टू 25। ये सिंपल सा। यहां ये कह रहे हैं कि अगर एक पैरेललोग्राम दिया है तो उससे आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है एबीडी का। पैरेललोग्राम है, ये बेस दिया है इसका, ये बेस दिया है, ठीक है, ये बेस दिया है, और एक हाइट अगर गिवन है, ये गिवन है तो आप निकाल लेंगे। उसमें भी यही होता है, क्योंकि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है बीडी जो है इसको दो, या बीडी डायगोनल है इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। पैरेललोग्राम का डायगोनल जो है, अगर कोई पैरेललोग्राम है, तो इसका ये जो डायगोनल होता है इसको, ये डायगोनल है इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो अगर इस पैरेललोग्राम का एरिया आपको पता है, पैरेललोग्राम के एरिया के लिए यही है, क्या है, बेस इनटू हाइट। तो हाइट आपको एस दिया है, तो अगर बेस बी है, बी इनटू हाइट एच है, तो ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये हो जाएगा। कहने का मतलब है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू 1/2, ये हाफ है, ये हाफ यहां लगा है, 1/2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ऐसे लिख देते हैं पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी डी 1/2 बेस इनटू हाइट, सिंपली सी बात है। तो आधा पैरेललोग्राम का एरिया का आधा जो है उससे जो बनी ट्रायंगल है वो होता है। अब नेक्स्ट फिगर हमारा जो है सर्कुलर, हमने क्या है, स्क्वायर देख लिया, रेक्टेंगल देख लिया, उसके बाद हम लोग पैरेललोग्राम भी देख लिया। अब आते हैं सर्किल, सर्किल एक अलग फिगर है, उसका पेरीमीटर और एरिया के लिए थोड़ा सा अलग आपको फार्मूले जरूरी है। सर्किल क्या है, ये सर्किल इज सिंपलेस्ट सिंपल क्लोज कर्व विच इज नॉट ए पॉलीगन। पॉलीगन मतलब उसमें साइड नहीं होती, पॉलीगन का मतलब साइड है, ऐसा फिगर जिनमें साइड होती है, तो नॉट ए पॉलीगन। सर्किल, ए सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। तो कहने का मतलब ये जो फिक्स पॉइंट है ये क्या है, सेंटर होता है, और डिस्टेंस जो होती है तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट, ये जो बना है, ये जो चारों तरफ से बना है ये पॉइंटों का कलेक्शन है, यही तो सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। कहने का मतलब अगर एक पॉइंट यहाँ ए है, यहाँ पे कोई पॉइंट बी है, कोई पॉइंट सी है, कोई डी है, कोई ई है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, यहाँ से ये जो डिस्टेंस, ये सब हमेशा बराबर होती है, ये घूमती रहती है, ठीक है, कंपास से ये बन जाता है। तो सर्किल की ये डिफिनेशन, जो फिक्स पॉइंट क्या है इन द मिडिल, फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं, ये वाला फिक्स पॉइंट जो है आपका क्या कहलाता है, ये जो यहाँ पे फिक्स पॉइंट है ये आपका सेंटर कहलाता है, और ये जो फिक्स डिस्टेंस है, जो फिक्स पॉइंट है सेंटर, और जो फिक्स डिस्टेंस है उसको रेडियस, ये रेडियस कहलाती है। तो पेरीमीटर क्या होता है, हमने पेरीमीटर एरिया, पेरीमीटर ऑफ सर्किल इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस, सर्किल का जो पेरीमीटर हो तो उसको सरकमफ्रेंस बोल्ड कहते हैं, सरकमफ्रेंस, ये चारों तरफ से, ये जो चारों तरफ से घिराव है, ये जो लाल रंग से चारों तरफ से दिख रहा है इसी को, इस पूरे लेंथ को जो है सरकमफ्रेंस कहते हैं, यही पेरीमीटर होता है। सो पेरी
मीटर ऑफ सर्किल इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस। एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू इसका पूरा, ये पूरा फिगर का वो एरिया हो, एरिया इज इक्वल टू ये है पाई आर स्क्वायर होता है। सो पाई इज इक्वल टू क्या होता है 22/7 या 3.14 अप्रोक्स 1.3.1 होता है 3.14 होता है थिंक। ठीक है 3.14 होता है इसकी वैल्यू, डिवाइड करके निकालेंगे तो अप्रोक्स होता है, इसमें अप्रोक्स होता है एग्जैक्ट नहीं, ये एग्जैक्ट है तो ऐसा है। ये पाई की वैल्यू होती, कांस्टेंट है ये, ऑलरेडी कांस्टेंट है ये, गिवन होती है हमेशा कांस्टेंट है, ये नहीं बदलती। और आर क्या है, रेडियस है, ये रेडियस, ये जो ये दिख रही है ये है। तो सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस का जो है पेरीमीटर का सरकमफ्रेंस का जो होता है ये इसका फार्मूला 2πr होता है, और एरिया का होता है पाई आर स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा स्क्वायर दो बार आर का है। अब इसको कैलकुलेट करके देखेंगे, ये फार्मूला याद है, आर मतलब रेडियस होता है और ये डी, कभी कभी क्या है पेरीमीटर पाई इंटू डी है, डी क्या होता है डायमीटर, और डी इज इक्वल टू क्या होता है 2r होता है। डायमीटर जो है रेडियस का दुगना होता है, डायमीटर क्या होता है एक लाइन होती है जो सेंटर से जाती है और उसके सर्कमफ्रेंस पे को जोड़ती है। ठीक है एओ एक सबसे बड़ी लाइन है जो उसके सेंटर से जाती है, तो ये ध्यान रखिए कभी कभी ऐसा डायमीटर होता है इसको, ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है तो ये निकल जाने हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इज टोटल पाथ और टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय सर्किल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ सर्किल, ये फार्मूला होता है, आर इज अ रेडियस ऑफ सर्किल। एरिया है, एरिया ऑफ ए सर्किल इज द टोटल रीजन इनक्लोज बाय सर्किल, एरिया ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ सर्किल, पहले डिस्कस कर लिया है। पाई के बारे में बता रहे हैं, व्हाट इज अ पाई, पाई इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट इज डिफाइन एज, कहने का मतलब पाई इज इक्वल टू पाई की वैल्यू का है, कोई भी सर्किल है, कोई भी सर्किल है तो उसके सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस से उसके डायमीटर से डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी कोई भी सर्किल हो उसकी, चाहे छोटी बड़ी हो, लेकिन ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट आती है, ये कांस्टेंट आती है और इसकी वैल्यू हमेशा ये होता है, या ये वैल्यू आपको काफी बड़ी है, ये काफी आगे तक जाती है 1.4, 1.5, 9 और पता नहीं कहां तक जाती है, इसलिए ज्यादा तेज नहीं, ज्यादातर यही इतने में काम चला, इतना यूज करके रखते हैं, आपको याद रखना। तो पाई इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ सरकमफ्रेंस अपान यहां पे डायमीटर है, सरकमफ्रेंस 2πr अपान डायमीटर 2r, तो देखिए क्या होगा, यहां 2πr रख देते हैं और यहां पे डायमीटर 2r, तो 2 से 2 कट जाता है, 8 से 8 कट जाता है, तो क्या मिलता है पाई, हमेशा यही मिलता है चाहे सर्किल जितना भी बड़ा हो। अब इनके बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम है, कास्ट ऑफ फ्रेमिंग या फेंसिंग, ये क्या है, अगर कोई दीवार है क्या कुछ है तो उसके उसकी बाउंड्री बनाने के, फेंसिंग करने के, मतलब उसका तार लगाने का, जैसे कास्ट ऑफ फ्रेमिंग और फेंसिंग ए लैंड इज कैलकुलेटेड फाइंड इज पेरीमीटर, कोई लैंड है इस तरह का, ऐसे लैंड का टुकड़ा है, इसको चारों तरफ से घेरना है, तो घेरने के लिए आपको पेरीमीटर चाहिए इसका। लेकिन अगर इसी में कहें कि घास लगाना है तो क्या चाहिए, एरिया चाहिए, ये ध्यान रखिए, एरिया अंदर वाला है और पेरीमीटर इसकी बाउंड्री है, फेंसिंग के लिए ये चाहिए। जैसे एग्जांपल, ए स्क्वायर शेप लैंड हैज लेंथ ऑफ इट साइड 10 मीटर, तो कोई स्क्वायर शेप लैंड है उसका, स्क्वायर शेप है इसका मतलब 10 मीटर है, तो सारे इसके 10 मीटर है, ठीक है सारे होंगे, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, तो क्या है पेरीमीटर ऑफ लैंड कितना निकालेंगे 40, तो कहने कास्ट ऑफ फेंसिंग उसमें कह रहा है 1 रुपया पर मीटर लगना है, कास्ट ऑफ फेंसिंग निकालना है कि एक मीटर तार की लंबाई 10 मीटर 10 रुपए,
तो पूरा पैसा कितना लगेगा। तो सिंपली सी बात है, सबसे पहले उसका पेरीमीटर निकालेंगे और कास्ट निकल जाएगा। कहने का मतलब यहां पे है ए स्क्वायर से ब्लेंड हैज लेंथ ऑफ साइड ई, यहां पे फाइंड द कास्ट ऑफ फेंसिंग व्हेन 1 मीटर वायर कास्ट ₹10। ये है, ये पूरा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले फेंसिंग करना है तो उसका पेरीमीटर निकाले, पी इक्वल टू 4 × साइड, 4 है साइड कितना 10 मीटर है तो आपका 40 मीटर आ जाएगा। कास्ट का मतलब पेरीमीटर इंटू कास्ट ऑफ 1 मीटर वायर है जो भी है, तो पी ए होगा 1 मीटर कास्ट ये, तो पी कितना है 40, 1 10 है तो ये कितना हो जाएगा 400 रुपये, 400 रुपये का तार लगेगा उसको 40 मीटर की फेंसिंग करने के लिए। पेंटिंग करना है, जैसे कास्ट ऑफ पेंटिंग ए सरफेस डिपेंड ऑन एरिया, ए वॉल है डायमेंशन इतना है, दीवार है और उसका जो है 1 मीटर स्क्वायर एरिया की कास्ट जो है ₹20 दी गई है, ठीक है। तो कोई है दीवार है इस तरह का, ये 5 मीटर है, ये 4 मीटर है, इसकी पेंटिंग करना है, इसका निकालना है। एक तो एरिया निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 5 × 4 20 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी मीटर में है ये भी मीटर में है, तो कास्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इंटू कास्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, ठीक, कास्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो, एरिया कितना होगा 20 मीटर स्क्वायर, कास्ट कितना है ₹20 पर स्क्वायर मीटर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पैसा कितना आएगा 400 रुपये इसका दिया है, कि दोनों अलग अलग हैं, दोनों में 400 आया तो इसका मतलब सेम ही नहीं होगा। इसमें कह रहा है कि अगर मिक्स शेप एरिया है, जैसे ये शेप एरिया है तो इसका शेडेड रीजन है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, सिंपल है। सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, एक एरिया निकालना, बड़ा फिगर एरिया निकाल लेंगे, एडी इंटू डीसी निकाल लेंगे, दिया है या ए बी दिया है तो ये भी टीसी होगा, ठीक है। तो ये आपका 30 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ये 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब ये आपका ये चीज है, बीसी एक सर्किल बना है, तो सर्किल ये बीसी क्या डायमीटर है, बीसी डायमीटर मतलब ये यहां से यहां तक 10 है, इसका आधा कितना होगा 5, तो ये एक सर्किल है, ठीक है, एक सर्किल, सेमी सर्किल, आधा सर्किल का ये आधा पार्ट है, करेंगे तो पूरी एक सर्किल बन जाएगी, तो उसका आधा नहीं, सर्किल का एरिया निकाल लिए, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया सेमी सर्किल, सेमी मतलब एक आधा सर्किल इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ सर्किल, 1/2 एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, आर मतलब ये रेडियस 5 है, देखेंगे 1/2 इंटू ये हो गया आपको जो है 3.14 हो जाएगा, आर कितना है 5, सो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब डिवाइड करेंगे इससे तो ये 1 जा हो जाएगा, ये 5 जा होगा 2 और 5 25 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे ये बड़ा सा फिगर 50 125 5 130 25 25 और 13 3 18 ये 38 कुछ आ जाएगा, 38 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ जाएगा इससे सर्किल।
तो इस पूरे में से जो है इतना घटा देना है, वही यहाँ पे फार्मूले में किया गया है। क्या किया गया, एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्किल। सिंपली बात है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये है, सेमी सर्किल का ये हो गया, यह एल इंटू पी माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन टू, आधा कर दिया। बस वही फार्मूले में एल बी है तो ये 300 बना लिया है, ठीक है, एल इंटू बी ये 300 आ गया, ये इक्वल टू 30 इंटू 10 माइनस पाई आर मतलब स्क्वायर बाई टू, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेके 600 किया गया है, तो ऐसे किया गया, ये 300 किया गया माइनस 25 बाई पाई अपॉन टू, दो से यहाँ पे ले लेंगे, ये 600 माइनस 25 इंटू 3.14, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 बाई अपॉन, ठीक है, तो यहां पे हम लोग ये कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग, यहां पे हम लोग किए थे 600 माइनस 25 इंटू 3.14 अपॉन टू, ये कैलकुलेशन करने के बाद हमारा, ये कैलकुलेशन करने के बाद हमारा ये आ जाएगा, कैलकुलेट करने के बाद ये हमारा आ जाएगा 260.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन दिस वे आपका चैप्टर कंक्लूड हुआ है, यह इसमें रिवीजन है, पेरीमीटर क्लोजेस्ट फिगर का होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया गया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया है, साइड एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ये सारे आपके फार्मूले दिए गए हैं। यहाँ पे पाई की वैल्यू दी है, सर्किल का दिया गया है, कुछ कन्वर्ट किया गया कि एक सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होता है, 100 मिली मीटर स्क्वायर, और एक मीटर स्क्वायर में कितना होता है, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक हेक्टेयर याद रखिए 10,000 मीटर स्क्वायर। ये चीजें आप कर सकते हैं, कन्वर्जन का कर सकते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या था, 10 मिलीमीटर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 सेंटीमीटर, फिर यहां पर भी 1 सेंटीमीटर, यहां पे 10 मिलीमीटर इंटू 10 मिलीमीटर, तो ये सेंटीमीटर 1 का 1 से हो जाएगा तो 1 ही रहेगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 10 से 10 मल्टीप्लाई होगा तो 100 होगा, मिलीमीटर से मिलीमीटर में टूटा तो ये आ जाएगा। अब इसी तरह आप मीटर को भी समझ सकते हैं, एक मीटर इक्वल टू क्या 100 सेंटीमीटर होता है, तो दोनों तरफ एक एक मीटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, यहां पर भी सेंटीमीटर है तो ये 1 से 1 ही आएगा और मीटर का मीटर में स्क्वायर हो जाएगा, या 100 का 100 चार जीरो हो जाएंगे, सेंटीमीटर का ये हो जाएगा, ये कन्वर्जन है। हेक्टेयर एरिया है, काफी बड़ा है, ठीक है, 100-100 मीटर का होता है, ठीक है, 100 एक हेक्टेयर जो है ये होता है, ये फार्मूला होता है, इसको याद रखिए, बड़ी क्वांटिटीज है, 1 हेक्टेयर ये एरिया है, हेक्टेयर में क्या होता है, एरिया है, ठीक है, इसलिए ये याद रखिए, यू जो आता है कभी कभी कन्वर्जन में कि खेत का एरिया हेक्टेयर में दिया है तो आपको उसके बेसिस पे लेंथ ब्रेथ निकालने के लिए आ सकता है, तो न्यूमेरिकल हम देखेंगे सेकंड पार्ट में, तो उसके बेसिस पे चीजें और क्लियर होंगी। टिल देन थैंक्स।